अर्जेंटीना में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज हम बात करेंगे कैसे मुद्दे की आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बन सकता है, या यूं कहें कि एक अलग तरह का मामला कुछ इस तरह से बनता जा रहा है कि जो हर कोई हतप्रभ है कि हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं दूरवासी प्रेम, यानी कि जिसे कहूं कि आप किसी को जानते ही नहीं है और अकाउंट के जरिए ही आपका उससे इंटरेक्शन हो रहा है, और उसी से आप इतने डूब जाते हैं कि सब कुछ छोड़ के और उसी के साथ चल देते हैं। इसको हम लव बॉम्बिंग कहते हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। लेकिन अब कोई कहेगा कि महिला ही क्यों, पुरुष भी तो हैं। लेकिन बात ये आती है कि हमारे यहाँ पे आप देखे होंगे कि पिछली बार भी जब हमने देखा था कि पीड़िता जो है वो महिला ही होगी, और यही बड़ी वजह है कि एक चिंता समाज में है कि बच्चियां महिलाएं कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसे नेटवर्क या फिर गैंग रैकेट का शिकार तो नहीं हो रही हैं। हम पिछले दिनों जो चर्चा में आई सीमा हैदर, उसको लेके भी चर्चा करेंगे। अंजू जो भिवाड़ी की रहने वाली हैं, बच्चे हैं उनके, वो पाकिस्तान चली गई, उनकी भी चर्चा करेंगे। एक नाबालिग राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली, वो लाहौर का टिकट मांग लिया जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचने, जब एयरपोर्ट पहुंची तो सबके कान खड़े कि लाहौर कब से रह रही हूँ यहाँ पे, कि 3 साल से हूँ मैं यहाँ। जब पता लगा कि ये तो कोई किसी से प्रेम हो गया इनको और ये वो लाहौर जाना चाहती हैं, एक तो अजीब तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लोगों को हो सकता है अजीब नहीं लगती कि इसमें नई बात क्या है, लेकिन नई बात है, और नई बात क्या है हमारे विश्लेषक और जो हमारे विशेषज्ञों की टीम है वो जरूर आपको बताएगी। हमारे साथ समाजशास्त्री ममता शेखावत जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मनीषा गौर हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं, और दीप्ति सिंह हमारे साथ दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वो जुड़ रही हैं। ममता मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्या लगता आपको कि चलिए अभी तो 2-3 केस हैं, हालांकि ये कोई पहला या 2-3 केस नहीं, सीमा हैदर अंजू के नाम से चर्चाएं ज्यादा हो गई, ऐसे केस पहले भी हुए हैं, क्योंकि कई बार हम थाने में सुनते हैं या फिर पता लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाकर के बस गए और साथ में लिव इन में रहने लग गए, और बाद में जूतम पैजार हो रही और आखिर मामला अदालत या थाने तक पहुंच जाता है, तो पहले भी सुनते आए। लेकिन ये इस तरह के मामले हैं कि सरहदों से पार जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं, और उसी के बाद में ये जो शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ वो सामने आ रही। तो क्या लगता है आपको कि प्रेम इतना अंधा हो जाता है, या फिर एक अट्रैक्शन है, या पागलपन कहूँ, क्या कहूँ इसे मैं? जी योगेंद्र जी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर बात आती है नाबालिग की, तो कहा जा सकता है कि उस बच्ची की एज नहीं है, वो ना समझ है या किसी के बहकावे में आ सकती है। लेकिन जब बात होती है एडल्ट्स की, जैसा कि आप सीमा हैदर और अंजू की जो बात कर रहे हैं, दे आर ग्रोन अप वुमेन, और मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के बहकावे में आई होंगी, ये उनके खुद के पर्सनल डिसीजंस रहे होंगे, तो उनको जज करना या उनके बारे में वो सही है या गलत है, ये आई थिंक इट्स नॉट राइट। लेकिन इसमें सिर्फ दो मेजर कंसर्न है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, आई थिंक उनका जो एक्सेस है सोशल मीडिया पे, जो उन्हें समझ नहीं है कि स्ट्रेंजर्स से कॉन्टेक्ट करना है कि नहीं, जस्ट अंधाधुंध जो चला आ रहा है सोशल मीडिया पे, एक लड़का एक लड़की कुछ कर रही है उसको देखकर वो दूसरा भी उसी तरह की चीजें कर रहा है, तो उसको नाबालिग बच्चे ज्यादा खतरे में है। और जहां तक बात है एडल्ट्स की, आई थिंक एट द एज ऑफ 30 और 30 प्लस, या आप, मुझे नहीं लगता, उन्हें जीवन का काफी अनुभव होता है और सब कुछ सोच समझ के उन्हें निर्णय लिए होते हैं, तो मुझे लगता है कि नाबालिग जो बच्चे हैं हमारे, जो छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा रिस्क पर है, और बड़े जो है वो आई थिंक जो भी डिसीजन लेते हैं उनके पर्सनल सोचे समझे डिसीजन होते होंगे, क्योंकि इस उम्र में बहक जाना तो मुझे लगता नहीं संभव होगा, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ मैरिज, आपको जीवन साथी चुनना है, साथ में रहते हैं, रिश्तों का एक अपना एक तकादा होता है, उसमें गहराइयों को देखा जाता है, बड़े बुजुर्ग आगे क्यों रहते थे, ये सब खानदान कैसा है, कौन लड़का कैसा है, उसकी एक समाज में और परिवारों की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। सीमा हैदर पबजी खेलने के साथ में उनसे इस तरह से जुड़ गई कि वो बिल्कुल पाकिस्तान छोड़ के आ गई। अंजू नसीमुल्लाह से इस तरह से
जुड़ गई कि बिल्कुल वो यहाँ से अपने अच्छी वाली फैमिली छोड़ करके चलेगी, वहां कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि ये बात सही है कि वो समझदार हैं, अपना डिसीजन कर सकते हैं, उन्हें को रोक नहीं सकता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अलग दिशा में जा रहे हो या कोई ऐसा रैकेट या कहूं कि कुछ गैंग्स काम में कर रही हो जिनकी वजह से बाद में पता लगे निकलना बहुत मुश्किल होगा? नहीं, आपकी जो बात है वो भी एक पहलू हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा एक और चीज है जो हमारे समाज में जो आपस में परिवार में रिश्तों में जो दूरियां बन रही है, तो आदमी और जो जो महिला या पुरुष है वो काफी अकेले फील करते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि दे नीड समवन जिसे वो बात कर सके। तो ऐसे में अगर इस तरह की मानसिकता अगर किसी की है और ऐसे में इस तरह की कोई अप्रोच उनके साथ आती है, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे। तो एक तो ये रीजन, और जो रैकेट वाली बात कर रहे हैं उसको मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको अप्रूव भी नहीं कर जब तक कोई चीज सामने नहीं आता, मैं नहीं हो जाती है, क्योंकि हम एक संदेह पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक इतनी समझदार महिला है जिसके अपने बच्चे हैं, वो छोड़ करके अगर कोई जा रही हैं, तो हालांकि सीमा हैदर साथ में लेकर के आई हैं, ये दोनों ही बड़ा इंटरेस्टिंग केसेस हैं। एक बच्चे छोड़ करके जा रही है एक, और फिर सबसे बड़ी बात देखिए कि जैसे पाकिस्तान में कोई पहली दुल्हन आई हो, वहां पे अंबार लग रहा है उसके गिफ्ट्स के, कि जैसे नई दुल्हन आती है उसके यहाँ पे मुंह दिखाई चलती है काफी लंबे समय। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो कल सीमा का जो मैं देख रही थी, उन्हें मूवी से ऑफर्स आ रहे हैं, उनको किसी ने 50,000 की जॉब ऑफर की है किसी बिजनेसमैन ने, तो ये बहुत ही एक फनी, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये समाज हमारा 50 लाख का फ्लैट जी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा समाज जी किस दिशा में जा रहा है। एक अलग तरह की चुनौती है। मैं डॉक्टर मनीषा के पास में जाना चाहूंगा, दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, क्या लगता है ऐसे में मनोचिकित्सक के नाते अगर हम देखें, तो बच्चे हों जिसके, और ये क्या कहूं इसे कि वाकई एक इस तरह का प्रेम है या फिर इसको बहक जाना कहूं, कैसे देखें इसे? क्योंकि वो डिसीजन से, एक नाबालिग का केस छोड़ दीजिए, लेकिन दो केस जो हैं इसके अंदर तो बिल्कुल एडल्ट हैं, और उनमें मुझे उनकी उस पर कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन शंका उनके कृत्य पे जरूर होती है कि किस दिशा में जा रहे हैं, बच्चे हैं उनके अपने। मनीषा जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है जी? आपका वीडियो लेकिन मुझे स्टिल दिखाई दे रहा है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास जी। मनीषा जी, यहाँ मैंने आप जो सवाल आपको किया, सीमा हैदर और अंजू दोनों का, एक पाकिस्तान चली जाती है, दूसरी यहाँ आती है, दोस्ती होती है सोशल मीडिया के जरिए, और दोस्ती इस कदर सिर चढ़ जाती है कि सब कुछ अपना छोड़ करके और सरहद पार करके और दूसरे के पास चली जाती है। वो जो सोशल मीडिया पे ही होती है दोस्ती, और ऐसे ठगी की बहुत सारी घटनाएं होती है, उसके बावजूद भी वो चली जाती है, तो क्या कहूं इसे, मनोचिकित्सक की भाषा में किस तरह से देखा जाए इसे? आपकी ऑडियो ऑडियो नहीं आ रही मनीषा जी, ऑडियो नहीं आ रही। महिला की उम्र ज्यादा है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मनीषा जी वापस आऊंगा आपके पास में, ऑडियो नहीं आ रही आपकी मुझे। मैं जी, मैं दीप्ति जी के पास जाना चाहूंगा जब तक। नहीं आ रही है डॉक्टर मनीषा, आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। तो यहाँ पे आप दोनों ही केसेस में देखिए कि जो महिलाएं हैं उनकी उम्र पुरुषों से ज्यादा है, जो इनके पार्टनर्स हैं, लव पार्टनर्स हैं, दोनों ही एज में लव पार्टनर्स आर यंगर एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। दोनों केसेस में ये चीज देखी जाती है। तो जनरली क्या होता है कि ये जिस उम्र में भागी है, दे आर मैरिड, उनके बच्चे हैं, मिडिल एज्ड फीमेल्स हैं, तो उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स जो हम लेते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लेते हैं। एक तो उनकी अर्ली मैरिजेस, दोनों ही केसेस में अगर अर्ली 20s में शादी हो जाती है, तो एक जो फीमेल होती है वो अपना वो चार्म ढूंढती है, तो जो उनको लव पार्टनर जो उनको ऑनलाइन मिलता है या एक्स्ट्रा मैरिटल में जो भी पार्टनर उनको मिलता है, उनके साथ वो लवी डवी बातें होती है, वो चार्म मिलता है, तो इस तरह से उनका कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। और जब वो फ्रेंडशिप से शुरू होता है तो वो एक लाइन ड्रॉ करना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो फ्रेंडशिप से अफेयर में टर्न हो जाता है। सेकेंड जो चीज़ होती है उसके अंदर, दैट इज सिमिलैरिटी विद द थॉट्स।
कि अगर उनके आइडियाज या उनके थॉट्स सेम नहीं है, उनके इंटरेस्ट सेम नहीं है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. कुछ कपल्स बोलते हैं हमको हिंदी मूवी, मुझे हिंदी मूवी पसंद है, उसको इंग्लिश मूवी पसंद है. तो जहाँ दोनों के बीच में आइडियाज थॉट्स दोनों के सेम नहीं है, तो उनके बीच में कम्युनिकेट करने का तो कोई कारण नहीं, कुछ सोर्स ही नहीं बचता है. तो जब सोर्स उनके बीच में कॉमन सोर्स नहीं बचता है, तो धीरे धीरे डिस्टेंसेस बढ़ते चले जाते हैं. तीसरा कारण होता है कि उनके अंदर या तो फाइनेंशियल इश्यूज या टिप्स या घर की कोई प्रॉब्लम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इतनी ज़्यादा होने लग जाती है कि घर के अंदर सिर्फ उसी के बारे में बात होती है. और हर इंसान को चेंज चाहिए होता है. तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अब तो फिर भी वर्किंग वुमेन है, पर इन दोनों केसेस में ये वुमेन दोनों वर्किंग नहीं है. तो जो फीमेल्स हैं वो भी अपना आउटलेट ढूंढने लगती हैं. वो अपना आउटलेट फिर सोशल मीडिया पे ढूंढती है, फेसबुक पे है, पबजी के एक पबजी खेल रही थी, एक फेसबुक पे ढूंढ रही थी, तो अलग अलग सोशल मीडियाज पे अपना आउटलेट ढूंढती है. क्योंकि मेल मेंबर्स जब बाहर जाते हैं तो 10 लोगों से बात करते हैं, उनका आउटलेट अपने आप हो जाता है. फीमेल्स सोशल मीडिया पे आउटलेट ढूंढने लगती है. जी जी मनीषा जी, हाँ जी, अक्सर ये चलता है कि बहुत सारे किस्से चलते हैं और हम सुनते भी हैं, लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, मूवीज में भी आती है पति पत्नी और वो. अब तो पति पत्नी और मोबाइल मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है ये. मैं दीप्ति जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं. दीप्ति जी, कानून क्या कहता है इसमें, जो दोनों केसेज हैं उसमें? आपकी आवाज नहीं आ रही दीप्ति जी, आवाज नहीं आ रही आपकी भी. चलिए मैं ममता मैम तक जाऊंगा जब तक दीप्ति जी की आवाज नहीं आ रही है. वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं दिल्ली से. ममता मैम, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, इनके मीम्स भी बनते जा रहे हैं. और सबसे रोचक बात ये देखिए कि पाकिस्तान में ये आपको लगता है कि एक साइकोलॉजिकल गेम भी पाकिस्तान के लोग खेल रहे हैं कि देखिए सीमा हैदर वहां पे चली गई और उसको लेकर के किस तरह की चीजें चल रही हैं, मीडिया ऐसे कर रहा है, उसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. और यहाँ देखिए कि हम कितने सम्मान दे रहे हैं अंजू को, गिफ्ट्स दे रहे हैं, वहाँ के बिजनेसमैन आगे आ रहे हैं. तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई पहली दुल्हन आई होगी. सानिया मिर्जा भी गई थी वहां, तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया. एक कैटेगरी के जो लोग हैं वो भाभी जान जरूर कहकर के उनको संबोधित कर रहे थे. लेकिन इस केस में आप थोड़ा सा अलग देख रही हैं उसे. बिल्कुल, इसको मैं एक कम्युनल कंपटीशन भी देख रही हूँ. मुझे नहीं पता पाकिस्तान इसको किस तरह से देख रहा है, या वो उन्हें जैसे कुछ वीडियोस आए थे, उनके कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने आई थिंक थ्रेटन भी किया था कि हमारी जो सीमा है उसे वापस भेजिए वरना हम कुछ करेंगे, समथिंग लाइक दैट. सोशल मीडिया पे काफी ऐसे वीडियोज भी थे. तो ये जो हमारा मेन इसमें जो अंडरस्टैंडिंग इश्यू है वो ये है कि इसको हम भारत या पाकिस्तान का वो एक टॉपिक बना रहे हैं. और बड़ा ही अजीब सा कंपटीशन दिख रहा है, विच इज वेरी फनी फॉर मी. मतलब एक 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 जो पर्सनल मैटर है वो एक इंटरनेशनल लेवल का मैटर बन गया है. सीमा के साथ क्या हो रहा है वो अंजू के साथ क्यों नहीं हो रहा है, या अंजू के साथ जो हो रहा है वो सीमा के साथ क्यों नहीं हो रहा है. एक अजीब सी आपाधापी एक दौड़ सी है, तो वो मेरी समझ से परे है. और जबकि ये दो महिलाओं की कहानी है, उनके अपने पर्सनल रीजंस रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, तो उसको अलग हटा के एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको देखा जा रहा है. और जो इंडिया में हम जिस तरह से उसको वेलकम कर रहे हैं, या उसको जो मुझे जो बहुत ही ऑकवर्ड लगा था जब मैं कल न्यूज देख रही थी, तो जो हमारे जो पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं या हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उनसे हटकर हमने एक बहुत बड़ा स्लॉट, बड़े चैनल्स ने एक बहुत बड़ा स्लॉट सिर्फ और सिर्फ सीमा के लिए रखा था. वो किस तरह से डायलॉग डिलीवर कर रही है, मूवी वो क्या पहनेंगी, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड है. मतलब हम इसको इतना क्यों ड्रामेटाइज कर रहे हैं, और उस जब यहाँ ये हो रहा है तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे मेरी तो समझ से परे है. मैं इसको सिर्फ दो महिलाओं की पर्सनल स्टोरी समझती हूँ, उससे हम परे जा रहे हैं और इसको एक इंटरनेशनल और एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा कॉम्पिटिशन, या समझ लीजिए पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या प्रूव करना चाह रहे हैं. इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो कुछ देर की बात है. सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक बहुत मजे ले रही है इनमें. खैर, मैं दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा. मैं दोनों केस, अंजू और सीमा हैदर, एक राजस्थान में एक नाबालिग भी पाकिस्तान जाने की उसमें थी कि लाहौर का टिकट दे दीजिए, एयरपोर्ट पे पहुंच गई और बाद में एजेंसीज ने उससे थोड़ा सा पूछताछ की तो उसके बाद में वो खुली. पहले तो कहा कि मैं तो 3 साल पहले लाहौर से आ गई थी और अब वापस लाहौर जाना चाह रही हूं. तो इंटरेस्टिंग केसेज भी हैं और समाज के सामने एक अलग तरह की चैलेंजेस भी आ रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए परिवारों को पता भी नहीं चलता है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है. दो केस की बात नहीं है,
हो सकता है इस तरह के केसेस और भी हों, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जो लोग जा रहे हैं, आपने किसी को देखा नहीं और बिना देखे आप उस पे, तो कानून ऐसे केसेस में किस तरह से देखता है? दीप्ति जी आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। पीसीआर एक बार अगर दीप्ति जी की आवाज को थोड़ा सा देखे, क्योंकि उनके व्यूज इस मैटर पे बहुत जरूरी है लेना। मैं जब तक मनीषा जी का रुख करना चाहूंगा, मनीषा जी कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें, कुछ सजग रहने की भी आवश्यकता है। ठीक है, आप फ्री हैं, आपके जो एज है उसके से आप डिसीजन कर सकते हैं, बट सोसाइटी में एक अलग तरह का भी मैसेज जाता है ऐसा लगता है आपको। दीप्ति जी हैं सामने, दिख रही है मुझे। दीप्ति जी आप एक बार बोलिए, अगर आपकी आवाज आ रही है तो मैं आपको जोड़ूंगा पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीप्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपसे अभी हमारी टेक्निकल टीम कॉन्टेक्ट करेगी, अभी मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं मनीषा जी, जो मेरा सवाल था आपसे, बिल्कुल सोसाइटी के पास एक मैसेज, अगर इसको मीडिया पे इतना ज्यादा फैलाया जाता है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल, ये शुरू से होता जा रहा है। पहले भी अगर हम सोचें तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स आर नॉट न्यू, ये चीजें हो रही हैं, तो अगर इसको इतना लाइमलाइट किया जाता है तो सोसाइटी के ऊपर इसका असर इस तरह से पड़ता है दैट दे टेक इट। एक और इशू मैं आपको बता दूं कि जिनका मेंटल एबिलिटी, दोज हु आर नॉट मेंटली हेल्दी, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कुछ होते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं, दे आर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उनको इस तरह के रिलेशनशिप बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी एक ही डायरेक्शन के अंदर, जैसे चार्म करना है, उसकी तरफ आकर्षित होना है, तो उस वक्त उनको और कुछ नहीं देखता है, वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स के बारे में लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन सिर्फ लोगों को वो रोजी पिक्चर दिखाई दे रही है कि अरे वाह वो हो गए हैं और उसके बाद अब वो फ्रीडम है, वो आराम से घूम रहे हैं, तो उससे बाकी लोगों को भी बढ़ावा मिलता है। और वहाँ पे ये होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी, और उसका अफेक्ट फैमिली के ऊपर पड़ता है, स्पेशली जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जैसे जो यहाँ से गए हैं पाकिस्तान, जी हैज टू चिल्ड्रन, एक 15 साल का बच्चा है और एक लड़की छोटी है, तो जो टीनेजर बच्चे हैं उनका इम्पैक्ट कि सोसाइटी उनसे जो क्वेश्चंस कर रही है, उनके क्लासमेट्स जो उनसे क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हारी मम्मा चली गई है क्या करेंगे, तो उनका जो ग्रोइंग अप इम्पैक्ट है उसके ऊपर बहुत सारे अफेक्ट्स आ सकते हैं, कि वो रिलेशनशिप में जाएंगे कि नहीं, आगे वो शादी करेंगे कि नहीं, वो सोशली कम्फर्टेबल सोसाइटी को फेस कर पाएंगे कि नहीं, उनका कॉन्फिडेंस और उनका इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन उनके लिए हो जाएगी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार भी हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूरी फैमिली के ऊपर पड़ेगी। बिल्कुल, और एक फैमिली का इशू नहीं है ये, इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे भी आता है। दीप्ति जी आप जी, सवाल आपसे भी मेरा यही है कि दोनों केसेज हैं, अगर आप देख जी, चलिए मैं ममता मैम आपके पास आना चाहूंगा एक बार वापस से। मैं जैसे अभी मैम भी कह रही थी, आप भी कह रहे थे कि ध्यान भटकाने के लिए भी कितना स्पेस दिया जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक किस्सा इसे बना दिया गया है, कोई तो बड़ी बात नहीं, इस पर कोई मूवी भी बने, तो क्योंकि केस कुछ इसी तरह का है। तो हमारे यहाँ पे जो साइकोलॉजी समझने की आवश्यकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि इस तरह की घटनाएं किसी को तो सेटबैक लगता ही है इसका, उस परिवार को लगता होगा, उस सोसाइटी को लगता होगा, क्योंकि अगर सीमा वहां से छोड़ करके आई हैं तो जैसे वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं उनकी बड़ी स्थिति है, आपको ध्यान होगा मंदिर तोड़ दिए गए वहां पे, उन लोगों को धमकियां मिल रही है कि आप सीमा को लौटाइए। इसी तरह से अंजू की जो बात कर रही थी अभी डॉक्टर मनीषा, कि उनके बच्चे हैं, क्लास में चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं अभी, उन्हें तो कोई बस एक मम्मा का उन्हें साया और बाप का आशीर्वाद चाहिए होता है, उस जगह से उस एज ग्रुप में अगर उनसे वो चला जाता है एक प्यार, तो नहीं लगता आपको कि वो ठीक है, उनकी प्रायोरिटी है, वो मैच्योर हैं और वो डिसीजन कर सकती हैं अंजू, लेकिन बच्चों का और इनका भी कुछ यहाँ पे कुछ सोचने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, इट्स वेरी पेनफुल टू सी सच अ मैच्योर लेडी, यू नो, टेकिंग डिसीजन ऑन हर पर्सनल चॉइसेस। जब आपके बच्चे हैं तो आई थिंक आपकी जिम्मेदारी होती है उनका पूरा लुक आफ्टर करना टिल दे बिकम एडल्ट्स। अगर दे आर माइनर्स तो आई थिंक एक मदर के लिए इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, मतलब आप अपनी पर्सनल उसके लिए आप बच्चों को पीछे छोड़ देती हैं। मेरी तो बहुत ही समझ से ये बहुत परे है ये चीज़, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है, ये तो लाइन लाइट में आए हैं,
इसलिए हमें पता है. कई और भी केसेस न्यूज़पेपर में आते हैं, दे आर बिकमिंग सो कॉमन. लेकिन इसको मेरा अभी जो मेन पार्ट है विच इज आई एम फाइंडिंग वेरी पेनफुल, जो अभी मैं कई नेशनल चैनल्स पे देख रही हूँ, वो इस चीज को ग्लैमराइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं. कल ही एक चैनल में, बिना नाम बताए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो तो, सीमा है, इनको उसमें वेस्टर्न आउटफिट्स में दिखाया गया, वो किस तरह से बोलती है और कितना अच्छा बोलती हैं, उनको मूवी के ऑफर्स आए, साथ में नोटों की गड्डियां पाइल्स दिखाए गए हैं. तो हम इस चीज से समाज को, जैसा कि इस शो में हम कर रहे हैं, वी आर प्रोज एंड कॉन्स, मतलब प्रोज तो है ही नहीं इसके, कॉन्स ही है. इट्स नॉट अ गुड डिसीजन फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए, आपके समाज के लिए. आप एक लेडी हैं, आप क्या मैसेज दे रही हैं? सो ये इस तरह से जो इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, इस समाज को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? उसको देखने के बाद कई और बहुत सारे रील्स आ रहे हैं, तो एक बहुत ही गलत मैसेज समाज को जा रहा है कि इस चीज को हम ग्लैमराइज, हम ये नहीं दिखा रहे कि उनका परिवार, उनके बच्चे किस तरह से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह के ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं इस टाइम. तो उस चीज को हमने हटा के और सिर्फ उसको हाइप कर दिया कि उनको मूवी के ऑफर मिले हैं या 50 लाख का पैकेज मिल रहा है और वो बहुत अच्छा बोलती हैं, उनकी बहुत अच्छी कमांड है, उसको इतना ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है. इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि हम समाज को, हम हमारे बच्चों को, यंग जनरेशन को क्या मैसेज करना चाह रहे हैं. इससे तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें मोटिवेट कर रहे हो कि इसमें कहीं कोई बुराई. बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं. ये बहुत ही गलत मैसेज हम दे रहे हैं. अब आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो हम इसमें ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इसके क्या नुकसान है, किस तरह से उनकी फैमिली, बच्चे या समाज इस चीज को देख रहा है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं. और उसको ग्लैमराइज करके प्रेजेंट करना इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज दैट वी आर गिविंग टू आवर यंग जनरेशन एंड टू द सोसाइटी. इस तरह के केसेज में इंडिविजुअल मेरिट्स इसके कुछ हो सकते, लेकिन डिमेरिट्स ज्यादा है क्योंकि सोसाइटी पे, आपके परिवार पे किस तरह का उस पर असर आता है, उन लोगों को कितनी परेशानी होती है. मुझे लगता है कि वो एक बड़ी बात होती है. समाज में रहना बहुत सहज बात नहीं है कि वो कैसे चलेगी, क्या होता है, जो हम आम भाषा में ताने कहते हैं, ताने. मनीषा मामी, इस तरह के ताने जो होते हैं या समाज में चर्चाएं होती हैं, मानस पटल पे किसी तरह का असर होता है उसका? बिल्कुल, जो ताने होते हैं और जो चर्चाएं होती है, सबसे पहले तो जो ममता जी ने बोला कि जो सारी चीजें हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली आई वुड से कि उन लोगों को एक रोल मॉडल बना दिया है सोसाइटी के लिए कि हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, वो रिवॉर्ड उनको दिया जा रहा है, एंड दे हैव टू बी, उन सबको उनको फॉलो करना चाहिए. और बाकी लोगों को जो ताने मिलते हैं, फैमिलीज को जो ताने मिलते हैं, लोगों को जो ताने मिलते हैं, उससे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि स्पेशली अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ, जो ग्रोथ वाला टाइम है, हस्बैंड है, तो जो टीनेजर्स हैं उनका जो इमोशनल मेच्योरिटी है वो इस एज में बच्चों की ग्रो कर रही होती है. अगर इमोशनल मेच्योरिटी को उस वक्त हैंडल, इमोशंस को उनके उस वक्त हैंडल नहीं किया जाता है, तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमास बड़े होने के बाद एक बड़ा मेंटल डिसऑर्डर का रूप भी ले सकते हैं. बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं इस तरह की ट्रॉमेटिक सिचुएशन को, जिनको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो जाता है कि वो पढ़ते पढ़ते फेंट हो जाते हैं, उनको होश नहीं आता है, कुछ और हो जाता है, या स्किज़ोफ्रेनिया, थॉट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. तो ये जो इस तरह की जो बीमारी है उनका इलाज भी बहुत लंबा चलता है और उसकी वजह से उनका जो कॉग्निटिव लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो कम हो जाता है. तो उनकी जो क्षमताएं हैं, जो जिस हाइट पे वो पहुंच सकते हैं, वो क्षमताएं कम हो जाती है. तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि वो बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं, सोशल इंटरेक्शंस अवॉइड करते हैं, तो इमोशनल और फिजिकल और मेंटल तीनों लेवल पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है. और कभी कभी या तो स्पिरिचुअली वो विश्वास खो देते हैं या फिर एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. मनीषा जी, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट तो गाइडलाइन नहीं है तो सेल्फ आपका एक अपना प्रोटोकॉल तय करना होगा, सोशल मीडिया की भी एक लिमिट तय की जानी चाहिए, आप कितनी देर तक किसके साथ में समय स्पेंड कर रहे हैं, आप किस तरह के ग्रुप से आप चैटिंग कर रहे हैं, ये कुछ खुद सेल्फ, क्योंकि अभी कोई गाइडलाइन तो ऐसी है नहीं, आप किससे बात करना चाह रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कौन आपके साथ में लाइन पे जुड़ा हुआ है, लेकिन खुद को एक देखना होगा. क्योंकि इस जैसे कहा करते हैं कि प्यार की सराह में धोखे बहुत हैं, बाबू जरा संभल के चल. जी दीप्ति जी, दीप्ति जी आवाज आ रही है अभी? चलिए फाइनली आपकी आवाज आ गई सुप्रीम कोर्ट से. दीप्ति जी, जो केसेज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, सीमा हैदर और अंजू, क्योंकि हमारे साथ में मनोचिकित्सक डॉक्टर मनीषा जी जुड़ी हुई है, समाज शास्त्री ममता शेखावत जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, कानून क्या कहता है इसमें? कानून
कानून तो दोनों जो वंजू हैं और यहाँ जो सीमा हैदर आई हैं, दोनों ही यहाँ कानून के नजर में अपराधी हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतने दिन तक मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और उसके बाद भी कितने कॉग्निजेंस नहीं लिया। लोकल पुलिस को सबसे पहले ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो बाहर की कंट्री से आता है बिना इजाजत के, बिना सही रास्ते के, बिना उसमें सिंपथाइज किए हुए, उनको उठा के अंदर लेके जाना था। और जो भी इन्वेस्टिगेशन था वो ना कि कैमरे पे होना चाहिए था। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये कंप्लीट ड्रामा बनाकर रख दिया गया। 4 दिन 5 दिन मीडिया को काम मिल गया, फुटेज आ गया, सारी चीजें चल रही हैं। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये था, मुझे नहीं लगता कि अब तक वहां के लोकल थाना को नहीं पता चला होगा कि यहां से कोई पाकिस्तानी महिला 4 बच्चे को लेकर आ गई है। ये सारे जो ड्रामाबाजी हो रहा था ये बिल्कुल भी गलत था, इलीगल है। और इसको सबसे पहले इनको डिटेन करना था, इनके 4 बच्चे समेत अंदर लेके जाना था, और सो कॉल उनके बॉयफ्रेंड को भी, कि क्यों कैसे ट्रेसपासिंग कराया, इलीगल ट्रेसपासिंग इंडिया में लेकर आप आ गए हैं बकौल पाकिस्तान के होकर, जबकि आपको पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन पता है इतने टफ है। और यहाँ पे इसकी ट्रीटी भी हमारी नहीं है कि कोई कभी भी आएगा और हम उसको बोझ उठा लेंगे। जैसे नेपाल वगैरह से हमारी ट्रीटी है, भूटान से हमारी ट्रीटी है, कुछ कंट्री से हमारे यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, नॉर्मल हमारे उनके साथ रिश्ते हैं, शादी ब्याह होता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में कोई ट्रीटी नहीं है, वहां से कोई ऐसे नहीं आ सकता बिना वीजा, बिना पासपोर्ट या बिना किसी भी इजाजत के सरकारी। तो वो जिस तरीके से एंटर करती है ये इलीगल है, और इलीगल में इसका IPC में बकायदे धारा है, और इस धारा के अंदर उनको और उनको ये भी देना हो सकता है जुर्माना। अब तक ऐसी किसी भी चीज पे कहीं चर्चा नहीं की है। इतने बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल्स हैं, भारत के सारे बड़े टीवी चैनल्स उसके घर में टीवी कैमरा लगा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से उसको उस लेडी को हीरोइन बना दिया। आश्चर्य ये है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि अभी पुलिस को कॉल करते और तुमको पहले अंदर लेकर जाते हैं, तुमने प्यार किया, मोहब्बत किया, दैट इज ओके, गो एंड चेक विद दिस, जो भी हमारे पहले लॉ कहता है। लॉ हमारा कतई इजाजत नहीं देता ऐसे किसी भी महिला या पुरुष को यहाँ इस तरीके से पूरे बच्चे गच्चे के साथ आ जाए और अपनी प्रेम की कहानी सुना रहे हैं आप टीवी पे बैठ के, और हम सारे चटकारे लेके देख भी रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल और ये नहीं होना चाहिए। हमारा कानून कहता है कि ऐसे किसी भी महिला या पुरुष को या व्यक्ति को या परिवार को तुरंत डिटेन करना है जो किसी ऐसे कंट्री से संबंध रखता है जिनके साथ हमारे दोस्ताना व्यवहार नहीं है। अब हम मीडिया पे ही ट्रायल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की है, जासूस है। अरे ये काम मीडिया का नहीं है, ये काम पुलिस का है, ये काम कानून का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, लेट देम डू दिस। बट मुझे ये लगता है कि कानून की हमारे यहाँ बहुत आराम से पुलिस बाद में आती है, पर कितने बाद में उसको आराम से पूछताछ करती है, पुलिस भी खड़ी है। मैंने देखा कई क्लिपिंग्स में महिला पुलिस खड़ी है, बट उसको डिटेन करने की किसी ने कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, क्या है वो, ऐसी क्या उसके साथ अच्छी चीजें चल रही थी या क्या ऐसा उन्होंने करके यहाँ पे आई है कि उनको हम लोग इतना ज्यादा VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तब से मैंने उनको अंदर लेके जाना चाहिए और अभी भी उनको अंदर लेके जाना चाहिए। और ये काम पुलिस का है या कोई टीम गठित करिए, ये चेक करिए कि वो वाकई में जासूस है कि नहीं है। हम इस पे अटकलें लगा रहे हैं कि जासूस हो सकती है, उसके 3-4 कंट्री के पासपोर्ट है, जितनी सीधी बन रही है। इनमें से हम तीनों महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और अपने अपने रसूख से अपने यहाँ घर चलाती हैं और पैसे कमाती हैं। हम में से एक पासपोर्ट होगा वो भी बहुत मुश्किल से, हमारे पास 3-4 पासपोर्ट नहीं है और ना ही हमें इतना रास्ता पता है कि पोर्टुगोज के थ्रू जाके नेपाल, नेपाल के थ्रू तब आप इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। आप सोचिए कितनी बुकी लगाई गई है। तो आप ये सोचिए, ये सिंपल लेडी नहीं है और ना ही 4 बच्चों की माँ लग रही है। जिस हमें एक बच्चा दे दो तो हम पालते पालते परेशान होते हैं, पबजी तो छोड़ो, हम टीवी का न्यूज नहीं देख पाते, 4 बच्चे की माँ पबजी भी खेल रही है, इश्क भी लड़ा रही है, ऐसे कितनी बेकार की बातों में। मेरा ये कहता है कानून को बाद में, सिंपल लॉजिक लगाना चाहिए कि यहाँ बहुत सारा जोलझाल है और इस महिला को तो अंदर इज्जत से लेके जाइए, बेशक सरकारी मेहमान बनाइए और उनको रोटी खिलाइए, लेकिन उनसे पूछताछ बिल्कुल बहुत टफ तरीके से करके सारी बातें निकालनी चाहिए। कानून हमें इजाजत नहीं देता कि ऐसी महिलाओं को छोड़े और उनके ऊपर रोज नए नए चैनल पे प्रोग्राम बताएं। और सही बात है, वो बता रही थी मनीषा जी कि साड़ी कौन सी पहनेगी, कपड़े कौन से पहनेगी, इस पे चर्चाएं शुरू हो गई, चूड़ियां पहनती है, बिंदी लगाती है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि इस पे फटकार लगनी चाहिए थी लोकल पुलिस को कि आप कर क्या रहे हो। आपकी पहले आपका कर्तव्य है कि ऐसे किसी भी ट्रेस पासिंग को आप उठाइए और अंदर लेके जाइए। कल को कोई बात हो गई, कोई घटना घट गई तो कौन जवाब देगा, लोकल पुलिस सबसे पहले पूछी जाती है। जी जी दीप्ति जी, दूसरा एक अंजू जैसे यहाँ से चली गई है विदाउट सेपरेशन, वहां जाकर के निकाह कर लेती हैं, तो वो भी कानून की नजर में अभी तो दोषी है, जब भी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उनके हस्बैंड ने तिवाड़ी में मुकदमा दर्ज कराया है। जी जी, इंडिया की दोषी है, पाकिस्तान में दोषी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे सारी चीजें जायज है जहाँ पे आप निकाह कर सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन वहां भी शादीशुदा महिला के साथ निकाह की इजाजत वहां के भी जो शरीयत का रूल है वो नहीं कहता। मुझे लगता है यहाँ सारी चीजों को खंगालने की जरूरत, उनको भी शक्ति से वहां पे रखना चाहिए। जिस तरीके से ये छूट मिल रही है मीडिया या जो भी रीजन हो टेलीफोन की वजह से, घर तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए, समाज छोड़ने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। आप बहुत शरीफ
हकीम हैं, सच्चे हैं, तो आप कानून के साथ पहले अपना काम करिए, अपने रिश्ते तोड़िए, उसके बाद जाइए अपनी इजाजत लेकर शादी करिए। क्यों दिया मिर्जा ने शादी, क्या नाम है अपनी, सानिया मिर्जा ने शादी की है ना, किसने रोक लिया? पर आप इस तरीके से चोरी चुपके जाके अपने देश का नाम खराब कर रही हैं। आपको तो इंडिया आने के बाद इनको भी बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके के एग्जाम्पल सेट होते जा रहे हैं। कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इजाजत है। अरे किस बात की इजाजत है, हमारा कानून ऐसे ऐसे इजाजत नहीं देता, और ना ही कानून से खेलने की इजाजत किसी को भी होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं दीप्ति जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही दीप्ति जी से, कुछ सवाल और लेना चाह रहा था मैं, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा इस तरह इस वजह से करना जरूरी था। अगर क्योंकि इसमें अगर बात करूं, अगर कहीं कभी कुछ धोखा होता है, कुछ भी होता है, तो महिला इसके अंदर सबसे ज्यादा परेशान होती है, महिला के साथ में ज्यादा दिक्कत होती है। तो उस एंगल से हमने कोशिश की है कि समाजशास्त्री के नजरिए से, मनोचिकित्सक के नजरिए से, और एक लॉयर के नजरिए से कैसे देखा जाए इसमें। तो इसे एक रूट लाइन मत बनाइए, इसे एक आइडल मत बनाइए, सोच समझ के अपने फैसले लें। मैं ये नहीं कहता कि जो बालिग हैं उन पे हमको थोपना चाह रहे हो हमारे एजेंडे को, या फिर हम जो डिबेट कर रहे हैं या फिर जिस एजेंडे को उठाएं वो बिल्कुल नहीं है, कतई हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम आपको सावधान कर सकते हैं, कोशिश करिए। और इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया की भी मुझे लगता है कि समाज का जो ताना बाना है उस पर काफ़ी असर जा रहा है। आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी भी एक अपनी एक गाइडलाइन नहीं भी है तो खुद की अपनी एक सेल्फ गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम किसके साथ में चर्चा कर रहे हैं, कहाँ चर्चा कर रहे हैं। आज रिश्ते वो नहीं पाते जो घर वाले मिलके बैठा करके बात करते हैं, आपने किसी को देखा नहीं और उसके साथ में जिंदगी पूरी जिंदगी का सफर उसके साथ स्पेंड करने की आप सोच करके चल देते हैं, तो बड़ी रोचक बातें निकल करके आती हैं, जिससे मुझे लगता है कि इंडिविजुअली समाज के स्तर पे भी थोड़ा सा आगाह करने की आवश्यकता है। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ में मैरिज की, जैसे मैम बता रही हैं, लीगल वे में किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेपरेशन की बात चल उड़ रही है उनकी, तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो लीगल वे में गई हैं वहाँ पे। और लेकिन अंजू जाकर के कर रही हैं, या सीमा हैदर वहाँ से आ रही हैं, तो या एक नाबालिग यहाँ से राजस्थान से जाकर के लाहौर में अपने बॉयफ्रेंड से मैरिज करना चाहती, इसको जानती भी नहीं है वो। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं सोच समझ के लेने की आवश्यकता। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही फैसले हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आपका जीवन आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो आगाह किया जा रहा है आपको, सावधान रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नारी भी इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।